बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। दोस्तों, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर है वहाँ पर नौकरी का ऐलान किया गया, उसके मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये इनका ऑफिशियल वेब पेज है जहाँ पर जॉब्स की डिटेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जॉब्स की जो है वो यहाँ पर लिंक आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने एक जो है वो आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पर जो है वो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट वन, जिसे हम ऑफिस क्लर्क कहते हैं। ठीक है, उसके लिए नैब लाहौर जो ऑफिस है उसके लिए जो है वो 6 सीट्स हैं, फिर कराची के लिए 9 है, पिशावर के लिए 5, बलोचिस्तान के लिए 4, रावलपिंडी के लिए 5, मुल्तान के लिए 3, सखर के लिए 3, टोटल इसकी है 35 सीटें हैं। अब उसके लिए क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम सेकंड क्लास ग्रेड डिग्री होनी चाहिए इंटरमीडिएट, इसमें आपका आईकॉम, डीकॉम, एफएससी, आईसीए तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लरिकल वर्क, फाइल कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग इन एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो एमएस ऑफिस जिसका होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अब उसकी पर मंथ जो सैलरी होगी वो होगी 35,000, 35,000, और एज है 18 से 35 साल। फिर है जी असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट थी, जिसे हम कहते हैं नैब का सीट, सेम बिल्कुल वही सीटें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वही सीटें हैं तमाम एरियाज के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके लिए सिंपल मैट्रिक रिक्वायर्ड है, कोई भी कुछ भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 17,000 इसकी पे होगी और 18 से 35 साल है। अब दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है कि एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो उनको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है कि एक तो यह है कि अगर आप एक ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट जो है वो एप्लीकेशन देनी होगी, और यहाँ पर सिंपल जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ जो गिवन फॉर्मेट है वो नीचे है एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने सेंड नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपने इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है। डिप्टी डायरेक्टर रिएक्ट एंड टीसीएस नैब हेडक्वार्टर्स, शायरा जमहूरियत G51 इस्लामाबाद, यहाँ पर सेंड कर देना। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चॉइस ऑफ स्टेशन, ठीक है कि आपने लाहौर के लिए करना है, कराची के लिए करना है, वो आपने वो लिख लेना है, नैब सखर, नैब मुल्तान, ये आपने यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम, आपका आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका पोस्टल एड्रेस, फिर आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपका नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर आप जो है वो डुअल फॉरेन नेशनलिटी तो नहीं है, फिर डिटेल्स आपकी जो है वो डिग्री वाइज जो आपकी जो टॉप पे है वो आप कीजिएगा, फिर आपका एक्सपीरियंस, आपका जो है वो यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस कितना है, डे, मंथ एंड ईयर, फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर, आपकी डेट। सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपने कोई भी डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाने और इस पते के ऊपर आपने सेंड कर देना है। फिर इसी तरह यहाँ पर ये दूसरी भी जॉब्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इनवाइटेड जो है वो सिर्फ नैब बलोचिस्तान की। अब यहाँ पर ये कैशियर की है एक सीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज है और उसके बाद मैक्सिमम एज है, कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की 2 सीटें हैं, मेरिट है और एक डिसेबल है, देख सकते हैं। फिर यूटीसी जो अपर डिवीजन क्लर्क है उसकी 1 सीट है, फिर उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क उसकी 1 सीट है और नैब कासिस की 1 सीट है। ये तमाम डिटेल्स वैसे ही है, सेम है, सेम ही अप्लाई करने का तरीका है आपने, लेकिन यहाँ पर इस पते के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और ये उसका जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक जो है मैं नीचे सेंड कर दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक पोस्ट है जी, क्या नाम है उसका, जूनियर एक्सपर्ट टू PHP डेवलपर, तो इसकी 1,10,000 इसकी पे है और 25 से 38 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम एक्सपीरियंस भी है। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी लास्ट डेट कल है, तो इसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कल के दिन काउंट होगा और ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो के नैब में जितने भी जॉब्स आई हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी चीज़ की जो है वो परेशानी नहीं होगी, अगर कोई भी अगर अभी भी मसला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।